मिथुन राशि, महिलाओं की दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आ सकता है, आपकी प्रतिभा में निखार होगा। किसी प्रकार की पारिवारिक जिम्मेदारी अचानक ही आप महिलाओं के सिर पर आ सकती है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। आपको आर्थिक लाभ के साथ साथ यश और प्रशंसा भी मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा। शिक्षा से जुड़े हुए कार्यों में विद्यार्थी वर्ग सक्रिय रहेंगे। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी वर्ग ज्यादा परिश्रम करेंगे। संभव है अति व्यस्तता के कारण कुछ निजी कार्य निलंबित रहे। विद्यार्थियों को दिन के अंतिम दौर में किसी प्रकार की भेंट मिल सकती है। भौतिक सुख में बढ़ोतरी हो सकती है। बुजुर्गों के लिए भी दिन आनंददायी रहेगा। बुजुर्ग व्यक्ति की आज नजदीकी स्थल पर यात्रा हो सकती है। बहुत लंबे अंतराल के बाद नजदीकी लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने के कारण तनाव कम होगा। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रगति होगी। आर्थिक लाभ होगा। बेरोजगार लोगों को आज नौकरी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रमोशन मिल सकता है। आसपास के लोगों से, सहकर्मचारी से और ऊपरी अधिकारी से रिश्ते बेहतर बनेंगे। आपके कार्यों की ऊपरी अधिकारी के द्वारा प्रशंसा भी हो सकती है। व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी नई योजनाएं बनेगी। पूर्व काल में आपके द्वारा किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम मिलेगा। व्यापार के विस्तार से जुड़ी हुई कोई नई योजना आज शुरू हो सकती है। शेयर बाजार में निवेश के लिए भी दिन अनुकूल और सकारात्मक है। व्यापार के विस्तार को लेकर किसी दूर के स्थल की यात्रा की आज योजना बन सकती है। पारिवारिक जीवन संतोषकारक रहेगा। जीवन साथी से रिश्ते बेहतर बनेंगे। पुरानी समस्याएं समाप्त होगी। संतान से जुड़े हुए अच्छे समाचार आनंद में बढ़ोतरी करेंगे। माता पिता से भी पुराने मनमुटाव समाप्त होंगे। पूरे परिवार के साथ नजदीकी स्थल पर यात्रा हो सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई पुरानी समस्या आज ज्यादा गंभीर बन सकती है। आपका आरोग्य सामान्यतः अनुकूल बना रहेगा। कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आज का